नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के वन संपदा एवं वन प्रबंधन, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे झामको फेड, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम लोग सखी मंडल बोलते हैं, कंपा और झारक्राफ्ट। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि वन संपदा के अंतर्गत जो जो झारखंड में पेड़ पाए जाते हैं या फिर पौधे पाए जाते हैं और उनसे बनने वाली उपयोगी वस्तुएं जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और इस साथ ही साथ हम लोग वन प्रबंधन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वन को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो लोग हमारे क्लास में नए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले क्लास 12 हो चुका है जिसमें मैंने झारखंड के वन के बारे में और उनके प्रकार के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नए हैं वो क्लास 12 आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें बताया था इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत जो स्टेट वाइज जो आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आता है उसका तुलनात्मक अध्ययन मैंने पिछला क्लास में कर दिया है, जो करेंट अफेयर बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2019 और 2021 का तुलनात्मक अध्ययन किया है कि 2019 में कितने वन थे और 2021 में क्या बदलाव आया है, कितने प्रतिशत वन बढ़े हैं, कितना एरिया आपका वन बढ़ा है, इसके बारे में वृद्धि हुई है वन की, इसके बारे में मैंने आपको पिछला क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप लोग अभी क्लास 13 कर रहे हैं और क्लास 12 नहीं किए हैं तो वे लोग सबसे पहले क्लास 12 जाके कर लें और उसके बाद आप क्लास 13 करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड का वन संपदा एवं वन प्रबंधन। देखिए दोस्तों, वनों से प्राप्त होने वाली उपज को हम लोग क्या बोलते हैं, वन संपदा बोलते हैं। ठीक है, यानी जंगल से जो चीज़ें भी हमको मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंगल की संपत्ति बोलेंगे, यानी वन का संपदा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए वन संपदा को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है, तो आपका हो गया एक प्रमुख उपज और एक हो गया गौण उपज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रमुख उपज किसको बोलेंगे, जिन वृक्षों की लकड़ियों को बृहद उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ऐसा पेड़ जिसका बृहद मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, यानी उससे फल वगैरह का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमुख उपज बोलेंगे। और गौण उपज में क्या होता है दोस्तों, कि लकड़ी से ज़्यादा उसका फल फूल वगैरह जो बीज होता है या फिर उसके जो छाल होते हैं उसका ज़्यादा मात्रा में आपका उपयोग होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गौण उपज। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे शीशम का पेड़, जैसे आपके घर के अगल बगल सीसू गाछ जिसको हम लोग बोलते हैं सीसू गाछ, तो शीशम उसी को बोलते हैं शीशम। तो शीशम का पेड़ या फिर साल पेड़ जो है, इनसे हम लोग क्या लकड़ियां ही लेते हैं, इनका तो फल और फूल का हम लोग के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी क्या हो जाता है, लकड़ी उपयोगी हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रमुख उपज। और जिन पे जो है लकड़ियां ना होके उनके जो बीज होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं या फिर उनके जो छाल होते हैं या फिर उनके जड़ होते हैं, वो अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे गौण उपज। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या है दोस्तों, तो आपका देखिए जैसे केंदू पत्ता। ठीक है, केंदू पत्ता से क्या बनाया जाता है, बीड़ी बनाया जाता है, तो देखिए इसका पत्ता का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ला ला का पेड़ में भी आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है, लेसिफर लक्का नामक जो कीट होता है उससे क्या ला बनाते हैं, जो गोंद बाद में गोंद होता है, रबड़ वगैरह ये सब चीज़ें उनसे बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लकड़ी का उपयोग आपका क्या है, बहुत कम है, उसके मात्रा में क्या है, उससे रिलेटेड और सारे जो फल फूल जो है वो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गौण उपज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, सीधे शब्दों में अगर बोला जाए कि लकड़ी का उपयोग जिसमें ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रमुख उपज, और जिसमें आपका जाके लकड़ी का मात्रा अन्य उपयोगी जो फल फूल जो है उसकी मात्रा में कम अगर उपयोग होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे गौण उपज बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रमुख उपज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख उपज के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष जो है ये झारखंड का क्या है, राजकीय वृक्ष है, ध्यान में रखेंगे। साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सौरिया रोबस्टा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, सौरिया रोबस्टा है, और ये जो है संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। साल का वृक्ष जो है कहाँ पे पाया जाता है, संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि उत्तर पूर्व पश्चिम, ये लगभग झारखंड के हर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो है जनजातीय समाज में बहुत ही इसका महत्व है, धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसकी पूजा की जाती है उन लोगों के द्वारा। और उसके बाद इसका जो उपयोग क्या है, तो देखिए इसका जो उपयोग है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग प्रमुख उपज पढ़ रहे हैं तो इसमें लकड़ी का ही उपयोग ज़्यादा मात्रा में होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका,
मकान हो गया, फर्नीचर, मकान जो बनाते हैं हम लोग, फर्नीचर वगैरह, रेल के डिब्बे के पटरियों को रखने के लिए जो स्लैब, अभी तो दोस्तों सीमेंट का स्लैब बनाया जाता है, लेकिन पहले मात्रा में जब अंग्रेज लोग थे तो उस टाइम देखिएगा कि पटरियों में जो लकड़ी का यूज़ किया जाता था वो आपका साल वृक्ष का ही था, ठीक है। उसके बाद देखिए कुजरी का तेल, देखिए अब कुजरी का तेल जो है, जो साल का जो फल होता है, साल वृक्ष का जो फल होता है उससे जो तेल निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कुजरी का तेल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसमें जो फूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरई का फूल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुजरी का तेल जो है किस वृक्ष से निकाला जाता है या किस वृक्ष के फल से निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा, बीज से निकाला जाता है तो ये हो जाएगा आपका साल वृक्ष, और उसके फूल को क्या बोलते हैं, सरई का फूल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्षों का जंगल क्या है, सारंडा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सारंडा जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, यानी सारंडा जो जंगल है, ठीक है, वो झारखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्णपाती पतझड़ वृक्षों का राजा भी साल को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। पतझड़ के मौसम में भी ये जो है आपका इनका पत्ता जो है लगभग नहीं, ना के मात्र ये गिरता, यानी हरा भरा ही रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पर्णपाती पतझड़ वृक्षों का राजा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य का भी राजकीय वृक्ष है। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, झारखंड का राजकीय वृक्ष तो है ही, साथ ही साथ ये किसका, किस आपका राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का भी राजकीय वृक्ष है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रबस्टा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए साल का वृक्ष है, ठीक है ना। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसको रेल के पटरियों के जो स्लैब होता है उसमें लगाया जाता है, फर्नीचर में आपका उपयोग किया जाता है, और साल वृक्ष जो है कुछ इस प्रकार आपका दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साल वृक्ष, देखिए ये आपका क्या है, सीधा सीधा एकदम जो आपको पेड़ दिख रहा है ये आपका क्या है, साल का वृक्ष है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों प्लास, ठीक है ना, प्लास। अब देखिए प्लास भी जो है यह संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह साल संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है, उसी प्रकार प्लास भी संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो परसा, ढाक, टेसु, छूल, किंसुक और केसु। देखिए दोस्तों इसमें जो है दो नाम आपको जनरली सुनते ही होंगे गांव देहात में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पलास के पेड़ को परसा गाछ भी बोलते हैं, और आपका ढाक के तीन पात, ये मुहावरा भी सुने होंगे कि ढाक के तीन पात होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका जाके जो ढाक होता है ये देखिए तीन होते हैं, एक डंठल में क्या होते हैं, तीन आपका पत्ता होते हैं, जिसमें से इसमें क्या है, धार्मिक महत्व भी है कि बोला जाता है कि जो सीधा वाला जो पत्ता होता है उसको बोलते हैं विष्णु, जिसमें विष्णु वास करते हैं, और बाएं वाले पत्ता में ब्रह्मा वास करते हैं, और आपका दाहिने वाले पत्ता में भगवान शिव वास करते हैं, यानी कि महेश, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यह जो है इसे जंगल का आग भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो पलास के जो फूल होते हैं वो आपका लाल कलर, यानी आप बोल सकते हैं कि ऑरेंज लाल उस टाइप से ही दिखाई देते हैं, सो दूर से देखने से लगता है कि जैसे वहाँ पे आग लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जंगल का आग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह झारखंड तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। देखिए राजकीय वृक्ष आपका कौन है, साल, और जो साल है वो किसका, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है झारखंड के साथ साथ। उसी प्रकार पलास जो है वो झारखंड का राजकीय पुष्प है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है, ठीक है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया फ्रोंडोसा, कहीं कहीं आपको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी मिल जाएगा, ठीक है। ब्यूटिया फ्रोंडोसा भी आपका है, और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं, किसी बुक में ब्यूटिया फ्रोंडोसा दिया हुआ है तो किसी बुक में आपको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी दिया हुआ है। अगर आप कन्फ्यूज ज़्यादा हो रहे हैं तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, जो दोनों नाम से आपको इसको इंडिकेट किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसको जो है भारतीय डाक तार विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित कर इसे सम्मानित भी किया जा चुका है, यानी कि प्लास का जो फूल होता है उसको डाक, जो भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जो है इसमें क्या है, टिकट पर इसको प्रकाशित भी किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। इसे बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है, और इसमें ईश्वर का वास माना जाता है, जो आपको मैंने अभी तुरंत बताया, ठीक है। सीधे वाले पत्ते में विष्णु भगवान, बाएं वाले पत्ते में ब्रह्मा, और दाहिने वाले पत्ते में भगवान शिव का वास माना जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसे पैरा ट्री भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
और पलाश के फूल जो हैं ये कब खिलते हैं, तो बसंत ऋतु में खिलते हैं। और इसके फूल से होली के समय जो क्या किया जाता है, रंग बनाया जाता है, यानी पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। अब तो लोगों को उतना फुर्सत नहीं, बाज़ार से जाते हैं और अबीर वगैरह खरीद के ले आते हैं, किसको फुर्सत है कि पलाश के फूल से रंग बनाएंगे। और अगर वो रंग बन जाता है तो वो इतना ज़्यादा मतलब गहरा होता है कि उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी समय भी और दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि सखी मंडलियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो क्या है, प्लास है। ध्यान में रखेंगे जो सखी मंडल द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो सखी मंडल यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर क्या है, प्लास का फूल है। ठीक है, और देखिए प्लास से जो है कौन सा गोंद निकाला जाता है, तो चूनिया गोंद निकाला जाता है। ध्यान में रखेंगे कौन सा गोंद निकाला जाता है, तो चूनिया गोंद निकाला जाता है। और पलाश का जो पेड़ है वो एक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में कार्य करता है, कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पलाश का पेड़ है। ठीक है, और इसमें देखिए इसके जो फूल हैं कैसे एकदम पूरा एकदम वाइट रेड टाइप का आपको दिख रहा होगा, और दूर से देखने से ये आपका कैसा लगता है, एकदम लग रहा है जैसे कहीं पे आग लगा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना एकदम दिखने में तो बहुत सुंदर ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दूर से देखने से एकदम लगेगा जैसे कि ये आपका पूरा आग टाइप का लगा हुआ है कहीं पर जंगल में। उसके बाद यहाँ पे इसके फूल भी आप देख सकते हैं कि इसके फूल किस टाइप से होते हैं, ये देखिए ये इसके फूल हो गए। ठीक है, इसका फूल जो है वो सेमल के फूल से एकदम मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों शीशम यानी शीशु गाछ, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो राज्य के उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कहाँ पर, राज्य के उत्तरी यानी कि ये अगर झारखंड राज्य है दोस्तों, चतुर्भुजाकार जो कि है, तो उत्तरी क्षेत्र ये हो गया यानी इस क्षेत्र में, और मध्यवर्ती क्षेत्र यानी कि ये जो है नीचे की ओर बहुत कम मात्रा में, मतलब नहीं पाया जाता, इसका मतलब नहीं कि एकदम नहीं पाया जाता, बहुत ही कम मात्रा में कहने का मतलब हो गया। और इस दर जो है बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जनरली आपको जो है मिल ही जाएगा और इधर खोजना पड़ता है मिलने के लिए। ठीक है, तो ये जो है शीशम का जो पेड़ है ये आपका उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका पाया जाता है। ठीक है, और ये जो पेड़ होता है ये आपका क्या होता है, इसकी जो लकड़ी होती है वो चिकनी होती है और धारदार होती है। ठीक है, अब देखिए ये इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका जो फल फूल जो होता है ये यूजलेस है, यानी इसका कोई काम ही नहीं रहता है। ठीक है, बस बकरी लोग और जो है गाय लोग के लिए इसका पत्ता चारा का काम करते हैं। उसके बाद झारखंड में काला शीशम दलमा में मिलता है। देखिए एक होता है आपका शीशम, दूसरा हो गया काला शीशम। तो काला शीशम आपका कहाँ मिलता है, दलमा। तो दलमा आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम यानी कि आपका जो जमशेदपुर जब आप जाइएगा तो बाएं साइड में आपको दलमा अभ्यारण्य मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो काला शीशम है ये जो है आपका एकदम मतलब ख़त्म होने के कगार पे ही है, इसलिए इसको IUCN में डाला गया है कि रेड लिस्ट में इसको डाला गया है, यानी कि काला शीशम बहुत ही आपका रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो IUCN का जो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, कि रेड लिस्ट में किसको डाला गया है, काला शीशम को, शीशम को नहीं, काला शीशम को उसके रेड लिस्ट में डाला गया, क्योंकि ये एकदम एक्सटिंक्ट के कगार पर यानी ख़त्म होने के कगार में ही है। ठीक है, अब देखिए काला शीशम को जो है इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इंडियन रोजवुड भी बोला जाता है। किसको, काला शीशम को बोला जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शीशम का पेड़ है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में शीशु गाछ बोलते हैं, जनरली आपके घर के अगल बगल में आपको देखने को मिल जाता होगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए आपका ये जो शीशम का जो पेड़ है यानी शीशु गाछ जो है उसका ये पत्ता है और ये इसका फूल हो गया। ठीक है, जो कि आपका यूजलेस है, सिर्फ बकरी वगैरह जो बेल वगैरह है उनका चारा का काम आता है ये। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों महुआ। तो महुआ से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि महुआ से है बहुत भारी मात्रा में जो है गांव देहात में जो है देसी शराब बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देसी शराब किससे बनाया जाता है, तो इसके फल से बनाया जाता है। और महुआ की जो लकड़ी होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इनसे भी क्या होता है, फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राज्य के लगभग सभी जगहों पर यह पाया जाता है, जिस प्रकार पलाश और साल सभी जगहों पर पाया जाता है, उसी प्रकार महुआ का भी पेड़ आपका झारखंड राज्य के सभी जगहों पर पाया जाता है। अब देखिए इसके जो पार्ट्स होते हैं उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो सबसे पहले आप देखिए फूल, फूल से जो है इसका शराब बनता है, बीज जो है महुआ का जो बीज होता है उससे तेल बनता है। ठीक है, और इसका जो कच्चे फल है उससे क्या बनता है, सब्जी बनती है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आपके सामने जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है ये महुआ का पेड़ है, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से महुआ का पेड़ होता है, इसमें जो है फल होते हैं, और ये जो देखिए लकड़ी जो है ये फर्नीचर के का काम आपका आती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए महुआ का जो फल है, इनका जो कच्चा फल है इसका सब्जी भी बनाते हैं, और जब ये पक जाता है तो इनसे क्या होता है, शराब बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सागवान। सागवान का जो पेड़ होता है यह सारंडा, पोड़हाट और कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए सारंडा, पोड़हाट और कोल्हान क्षेत्र आपको पहले भी बता चुके हैं कि सारंडा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो देखिए अगर आप पहले कमेंट बॉक्स में कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप कमेंट नहीं किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि सारंडा जो है, पोड़हाट जो है और कोल्हान जो है ये आपका झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस जिला के अंतर्गत? पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, जो उड़ीसा बॉर्डर के साथ, उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब देखिए सागवन जो होता है इसका उपयोग क्या है कि रेल का जो डिब्बा बनाते हैं, ठीक है। रेल का जो डिब्बा हम लोग बनाते हैं, जो कोच होता है उसको, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो सागवन का लकड़ी। और पटरियों में जो स्लैब का यूज़ किया जाता है उसमें साल की लकड़ी का यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि रेल का जो डिब्बा बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो सागवन का। और पटरियों में जो स्लैब बनाया जाता है उसमें किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका साल का, ठीक है। अब देखिए हवाई जहाज में भी सागवन का लकड़ी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यह वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पेड़ है, देखिए, ठीक है दोस्तों। ये जो सागवन जो है वो आपका 12 महीना क्या होता है, हरा भरा रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रही है ये सागवन का पेड़ है, ठीक है। और ये जो है वर्ष भर हरा भरा हुआ रहता है, और ये ऐसे ही आपका जो होता है क्या होता है कि मतलब एक सीरियली टाइप में आपको दिखेगा कि जैसे कि कोई पंक्ति में खड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसकी खेती भी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये छोटा छोटा आपका सागवन का पेड़ है, ये बहुत ही कीमती पेड़ होता है, इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है, पलंग वगैरह जो होता है आपका, चौखट वगैरह हो गया, दरवाज़ा वगैरह हो गया, ये जो है जनरली लोग जो हैं आज के डेट में सागवन का लकड़ी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन मुख्य रूप से इसका क्या है, रेल का डिब्बा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सागवन की लकड़ी। और रेल का जो पटरी है उसका जो स्लैब के लिए किसका यूज़ किया जाता था, तो साल की लकड़ी, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हरड़ बहेड़ा, ठीक है। हरड़ बहेड़ा जो है ये देखिए, हरड़ अलग चीज़ है और बहेड़ा अलग चीज़ है, ठीक है ना, इसको साथ में ही लिख दिया गया है। देखिए हरड़ का उपयोग जो है दवाई के लिए किया जाता है, और बहेड़ा का उपयोग दवाई एवं लकड़ी दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको बताए थे कि जो प्रमुख उपज होता है उसमें मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है किसका, लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्ध दवा त्रिफला चूर्ण जो है वो हरड़ बहेड़ा के साथ आंवला भी उसमें होता है। देखिए त्रिफला चूर्ण जो दवाई है आपका, तो उसमें कौन कौन से आपके चीज़ें होती है, तो आपका उसमें पाया जाता है हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों चीज़ें उसमें मिली हुई रहती है त्रिफला चूर्ण में। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हरड़ बहेड़ा जो दवाई के लिए तो उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य इसका काम क्या है, इसका लकड़ी का फर्नीचर करना, यानी लकड़ी इसका मुख्य रूप से यूज होता है। उसके साथ उसके बाद आपका जो यूज होने वाला चीज़ है वो आपका क्या आता है, ये दवाई के रूप में आपका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है ये क्या है, हरड़ है और ये इसका फल है, ठीक है दोस्तों। और इनसे जो क्या है, दवाई बनाई जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं ये बहेड़ा है, ठीक है, और इनसे भी क्या है, दवाई बनाई जाती है। लेकिन इसका जो आपका पेड़ है उनसे क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या, फर्नीचर वगैरह का काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों सेमल की लकड़ी। तो सेमल की लकड़ी जो है हल्की मुलायम और सफ़ेद कलर की होती है। किस टाइप की होती है, हल्की मुलायम और सफ़ेद कलर की होती है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, पैकिंग के लिए पेटियां जो बनाती हैं, यानी फल वगैरह जो आप देखते होंगे कि जो नाशपत्ति हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, तो इसके लिए जो आपका आप देखते होंगे कि लकड़ी की एकदम पतली पतली जो है पेटियाँ बनाई जाती है, तो उसमें जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो किसकी होती है, सेमल की लकड़ी होती है, ध्यान में रखेंगे इसे। और इसकी जो होती है, इसका जो फूल होता है उससे क्या रुई निकाली जाती है, जो कि काफी आपका उपयोगी होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सेमल का फूल है, ठीक है ना, इससे क्या होती है, रुई निकाली जाती है, ठीक है, और जो कि बहुत ही उपयोगी होती है। इसका पेड़ भी होता है जिसका लकड़ी जो है, आपको अभी बताएं कि उसके लिए क्या, फल का जो है टोकरियां या फिर उसका जो पेटियां बनाने के काम आती है। इसके अलावा भी दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे प्रमुख उपज हैं, जैसे आपका हो गया आम, हो गया जामुन, हो गया गम्हार, हो गया करंज, हो गया कटहल, हो गया इत्यादि, ये प्रमुख उपज में आते हैं, जिनकी लकड़ियां जो होती है वो फर्नीचर के बनाने के काम आती है या फिर अन्य चीज़ें बनाने के काम आती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गौन उपज,
ठीक है। तो गौण उपज में आपको बताए थे कि जिसमें लकड़ी मुख्य रूप से उपयोगी ना होकर इसके और सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो उपयोगी में आपका आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गौण उपज बोलते हैं। तो सबसे पहले गौण उपज में हम लोग देखेंगे लाख के बारे में, ठीक है। लाख, आप महाभारत काल में पढ़े होंगे लाक्षागृह, ठीक है, जो पांडवों को मारने के लिए कौरवों द्वारा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें आग लगा दी गई थी, तो वो लाक्षागृह जो है वो किससे बनाया गया था, ला से ही बनाया गया था, ठीक है। तो इसी ला के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत का 50% मात्रा जो ला का उत्पादन किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है, तो झारखंड राज्य में किया जाता है। यानी कि अगर स्टेट वाइज देखा, अगर रैंकिंग दिया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। यानी झारखंड जो है ला उत्पादन में नंबर वन पोजीशन पे आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितना उत्पादन किया जाता है झारखंड के द्वारा, तो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% जो है वो झारखंड में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में कुल ला उत्पादन का 82% जो है वो वैशाखी ला से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों वैशाखी ला क्या है, तो ला के चार प्रकार हैं, चार मौसम में ला का उत्पादन किया जाता है। तो उसमें से जो वैशाख महीना में जो आपका ला का उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और कितना 82% जो है ये आपका ला जो वैशाख महीना में उत्पादित किया जाता है, यानी 100% में से 82% सिर्फ वैशाख महीना में इसको क्या उत्पादित किया जाता है, ला का उत्पादन झारखंड राज्य में। उसके बाद देखिए इसमें जो कीड़ा का उपयोग किया जाता है, यानी जिस कीड़ा से ला बनाया जाता है उस कीड़ा का नाम क्या, लेसिफर लक्का, ठीक है दोस्तों, जिसको ला का कीड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है उसका, लेसिफर लक्का नाम है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ला जो है सबसे बड़ा ला उत्पादक जिला, देखिए अब झारखंड में सबसे बड़ा ला उत्पादक जिला कौन है, तो खूंटी है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। अब देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा ला का उत्पादन किस जिले में होता है, तो खूंटी जिला में होता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो खूंटी करता है। लेकिन ला अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, तो ये आपका नामकुम रांची में है, इसे ध्यान में रखेंगे। ला अनुसंधान केंद्र कहाँ, अगर पूछे कहाँ पर है, तो नामकुम रांची। नामकुम जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, तो रांची में पड़ता है। और इसका जो है स्थापना कब किया गया था, तो 1924 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। भारतीय ला शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कब की गई थी, 1924 ईस्वी में की गई थी, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत, यानी उसी के अनुशंसा के अंतर्गत जो है आपका भारतीय ला शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 ईस्वी में नामकुम रांची में की गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ला का उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य में सबसे ज़्यादा आपका कौन है, झारखंड, जिसमें 53%, यानी कि लगभग 50% के आसपास ही, थोड़ा बहुत 1-2% कभी कभी चेंज हो जाता है, तो 50% के अगर हम लोग बोलते हैं झारखंड में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है जहाँ पे 17% उत्पादित किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश जहाँ पे 12% उत्पादित किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ला के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश है। अब देखिए विश्व में भी आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका इंडिया में होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका खूंटी में होता है। ये चैन को आप याद रखेंगे। अब देखिए 80% जो है ला का उत्पादन कहाँ पर होता है, आपका इंडिया में होता है, पूरे वर्ल्ड पे। सेकेंड नंबर पर कौन आता है, तो थाईलैंड आता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुआ। आपको बताया था महाभारत युग में जब पांडवों को मारने के लिए कौरवों द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, तो एक लाक्षागृह बनाया गया था जो आपका ला से ही बनाया गया था, जिसमें आग लगा दिया गया था और फिर उसमें सुरंग खोद के पांडव लोग सुरक्षित निकल गए थे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों कि ला उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो है ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए समुद्र तल से, तो समुद्र तल से आपकी ऊंचाई जो है वो 350 मीटर के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद तापमान लगभग कितना हो जाए, तो 12 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी वर्षा आपका नहीं होनी चाहिए। और ये जो है भौगोलिक दशाएँ हैं ये झारखंड में बहुत ही उपयोगी है, मतलब झारखंड में भौगोलिक दशाएं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में जो है ला की खेती से स्वरोजगार और अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिलों में 1750 वन प्रबंधन समितियां का गठन वर्ष 2014-15 में किया गया है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग वन प्रबंधन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत जो है 1750 जो है वन प्रबंधन समिति बनाई जा चुकी है। और ये कौन कौन से जिले में बनाई जा चुकी है, तो
खूंटी हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, गढ़वा हो गया, दुमका हो गया और सरायकेला खरसवां में हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लाह का उत्पादन लेसिफर लक्का नामक कीड़ा से किया होता है और इन कीड़ों को बेर, कुसुम, पलास, खैर, पीपल आदि पेड़ों में क्या कहा जाता है, इसको पाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लाह है ये एक तरह का प्राकृतिक रेजिन है। ठीक है, रेजिन मतलब हो गया गोंद हो गया। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछे कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेजिन है और आपका ऑप्शन में लाह आए तो आप उसको आँख बंद करके टिक मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों लाह के प्रकार। देखते हैं दोस्तों लाह के प्रकार, अभी आपको हम बताएं कि बैसाखी लाह जो है 82% मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बैसाख महीना में। तो मौसम के अनुसार लाह का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो लाह के चार प्रकार हैं। पहला हो गया बैसाख महीना में जो लाह का उत्पादन होता है उसको बैसाखी लाह बोलते हैं, फिर जेठ महीना में जो होता है जेठवी लाह, फिर कार्तिक महीना में कत्की लाह और अगहन महीना में अगहनी लाह। तो देखिए 100% में से 80% लाह का उत्पादन जो है वो आपका बैसाख महीना में ही कर लिया जाता है, बाद बाकी जेठ, कार्तिक और आषाढ़ में अगहन महीना में जो है आपका 20% जो है आपका बचा हुआ रहता है, उसका उत्पादन होता है लाह का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो जो आपका नीतियां बनाई गई हैं झारखंड सरकार द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो झारखंड सरकार द्वारा सबसे पहले झामको फेड जो है नामक एक संस्था बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म है द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब देखिए इसकी स्थापना जो है 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसको क्यों बनाया गया था? तो आपका मध्यस्थों के शोषण से वनवासियों को सुरक्षा करना, यानी कि जो लाह का उत्पादन करते हैं उसमें जो वनवासी हैं उनका सुरक्षा करना, ताकि मीडिएटर लोग जो हैं उनका शोषण ना कर पाए और जो लाभ उसको मिलना चाहिए वो आपका बिचौलिया ना खा जाए, यानी कि वनवासियों और जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया गया है, मतलब इसका स्थापना किया गया है। उसके बाद देखते हैं गौण वन उत्पाद उद्योगों को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना, और इसके साथ साथ क्या है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो वनवासी लोग हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना झामको फेड के द्वारा कि आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और लाह उत्पादन में आप अपनी सहभागिता को और जाके आगे बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि झामको फेड जो है कि निचले स्तर पर 88 प्राथमिक सहकारी समितियां कार्यरत है। कितनी? तो लगभग 88 जो है प्राथमिक सहकारी समितियां इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या लाह है, इसमें जो कीड़ा है उसके द्वारा यहाँ पे क्या ये लाह जो यानी जिसको गोंद भी बोल सकते हैं आप, तो ये गोंद रूपी जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है ये लाह है। ठीक है, और जो उसके लिए जो कीड़ा है लेसिफर लक्का ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लेसिफर लक्का है जिससे क्या होता है लाह का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये लाह जो है बाद में बन के कैसा हो जाता है, इस तरह हो जाता है और जो वनवासी द्वारा जो है वो लाह का उत्पादन करते हैं और मार्केट में फिर इसको बेच दिया जाता है उनके द्वारा, ताकि एक तरह से उनको रोजगार भी मिल जा रहा है वनवासियों को और उनको जो है मध्यस्थों के शोषण से बचाया जा रहा है और जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो झामको फेड के द्वारा उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें क्या बताया गया है कि वन उत्पाद में जो है इनकी सहभागिता, जैसे बहुत लोग होते हैं कि अरे क्या करेंगे, लेकिन उनको फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए समझाया भी जाता है झामको फेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों केंदु पत्ता। क्या देखेंगे? केंदु पत्ता। देखिए जिस तरह महुआ के बारे में सभी लोग परिचित हैं उसी तरह केंदु पत्ता के बारे में हमको लगता है कि सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इससे बीड़ी बनाया जाता है। गांव देहात के जो लोग होंगे वो लोगों को एकदम पता ही होगा कि केंदु पत्ता से ही आपका क्या होता है बीड़ी बनाया जाता है। और पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जो हमारे मतलब दादा दादी लोग हैं, वो लोग क्या है इनका उपयोग करके बीड़ी बना के वो लोग पीते थे। ठीक है, तो अभी ये विलुप्त हो गया है, अभी लोग तो सिगरेट वगैरह पीने लगे हैं, लेकिन पहले जो है जो हमारे दादा परदादा लोग होते हैं वो केंदु पत्ता से ही खुद से ही बीड़ी बनाते थे और घर में इनका सेवन करते थे। तो देखिए अत्यधिक राजस्व का साधन है ये केंदु पत्ता जो है, अत्यधिक राजस्व का साधन, सर्वाधिक तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ इससे राजस्व का बहुत ज़्यादा मात्रा में राजस्व सरकार को मिलती है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या किया जाता है? बीड़ी और तंबाकू के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब ये बीड़ी और तंबाकू के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो ये आसानी से आपको मिलेगा भी नहीं, आप इसको आसानी से बेच भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको सरकार से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि अनुमति आपको लेनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे यह बिक्री हेतु स्वतंत्र नहीं है, इसे बेचने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। अब देखिए राज्य में केंदु पत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को केंदु पत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखंड राज्य केंदु पत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है
और ये अधिसूचना जो है लागू कब किया गया है, 27 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसका उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, सिंहभूम हो गया, गिरिडीह हो गया और हजारीबाग जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताएं कि केंदुपत्ता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंदुपत्ता से क्या होता है, बीड़ी और तंबाकू बनाया जाता है, और बीड़ी तंबाकू बनाया जाता है तो इससे क्या, सरकार तो आपको इसे स्वतंत्र रूप से बेचने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये नशा का साधन है, तो इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और सरकार इसके एवज में क्या है, बहुत ज़्यादा राजस्व इनको प्राप्त होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है, ये केंदू पत्ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा केंदू पत्ता का जो है एक रोजगार का साधन मानते हुए अपने आजीविका चला ये लोग चलाते हैं। और देखिए इससे जो क्या बनाया जाता है, तो तंबाकू और बीड़ी बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका केंदू पत्ता हो गया, और इससे जो बीड़ी बनाई जाती है ये आप अगर नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका इस तरह से इसका बीड़ी का निर्माण किया जाता है, जो हमारे दादा परदादा लोग यानी कि दादी लोग ये लोग जो है इनका सेवन किया करते थे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तसर रेशम। ठीक है, झारखंड देश का सबसे बड़ा तसर एवं कोकुन उत्पादक राज्य है। अब देखिए जिस प्रकार लाह सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है, उसी तरह आपका क्या है, तसर रेशम भी झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में तसर रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो झारखंड ये राज्य है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे तो झारखंड में देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है, और ला कितना परसेंट था, तो ला जो था आपका 80% था, और तसर रेशम अब नहीं, सॉरी, ला जो था आपका कितना था दोस्तों, 50% आपका ला उत्पादन किया जाता था झारखंड में, और आपका 60% जो है वो तसर रेशम आपका उत्पादन किया जाता है झारखंड में, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड रेशम के कीड़ों के पालन हेतु झारखंड में साल, सहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से वृक्ष हैं इसमें, साल, सहतूत, आसन और अर्जुन वृक्षों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राज्य की राजधानी रांची के नगड़ी में भारत सरकार द्वारा 1964 ईस्वी में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अब देखिए तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो झारखंड के रांची के नगड़ी में लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो नामकुम में की गई। नामकुम में किसका किया गया, तो लाह का, और आपका नगड़ी में किसका किया गया, तो रेशम का, इसे ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज ज्यादा नहीं होइएगा। लाह का जो है आपका, आपको हम बता दें कि 1924 में जो है आपका नामकुम में लाह का ये किया गया है, शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, और नगड़ी यही रांची का नगड़ी में ही आपका 1964, देखिए 24 और 64 में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बाद में आपका किसका, रेशम का बाद में स्थापना हुआ है अनुसंधान केंद्र का, स्थापना जो है तसर अनुसंधान केंद्र का जो है स्थापना बाद में हुआ है, और वो आपका कहाँ पे हुआ, नगड़ी में, और कब, 1964, एक 1924 है और एक 1964, तो 1924 में आपका ला हो गया और 1964 में आपका हो गया आपका तसर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु 23 अगस्त 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, झारक्राफ्ट, ठीक है, का गठन किया गया। तो देखिए झारक्राफ्ट का गठन 2006 में किया गया है, और आपका झामकोफेट जो अभी पहले पढ़ा है वो 2007 में गठन किया गया था। झामकोफेट कब किया गया था, 2007 में, और अभी जो है झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया है, 23 अगस्त 2006 में आपका किसका गठन किया गया है, झारक्राफ्ट का गठन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी खेती झारखंड राज्य में दो मौसम में होती है, किसकी, तसर रेशम की। तो पहला बार जो खेती होती है वो मई जून में खेती की जाती है, और इसका फसल तैयार होके अगस्त सितंबर में इसको उपयोग में लाया जाता है। फिर उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर में फिर से खेती की जाती है इसकी तसर रेशम की, और फिर नवंबर दिसंबर में फिर इसका फसल तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो आपको पिक दिखाई दे रहा है ये तसर रेशम है जिसकी खेती की जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है वाइट वाइट में, ये रेशम है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या बनाया जाता है, तो इसी से देखिए धागा वगैरह जो बनाया जाता है वो तसर रेशम से ही बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तसर रेशम कैसे बनाया जाता है, एकदम घोंसला की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको रुई दिख जाएगा रेशम का, और इसी से आपका धागा बनाया जाता है। ठीक है, झारक्राफ्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। देखिए झारक्राफ्ट की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्योंकि पूछ सकता है, और स्थापना का भी पूछ सकता है, इसका उद्देश्य काम क्या है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए झारक्राफ्ट जो है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, आपको अभी बताएं, और झामकोफोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए इसके वर्ड पे मत जाइएगा कि इसमें JHARCRAFT, तो अलग अलग, जैसे जे से झारखंड हो गया तो ऐसे भी कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फुल
फॉर्म अगर आपको बोले झारक्राफ्ट का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिए कि इसका वर्डिंग पे ही हमको जाना है, अल्फाबेट के अनुसार उसका सारा चीज़ मैच करेगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, स्थापना 2006 में होगी। इसका काम क्या है झारक्राफ्ट का, तो झारक्राफ्ट का काम है रेशम उत्पादन, हाथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य संबंध जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर को पैदा करना होता है। यानी ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं जैसे सखी मंडल वगैरह हो गई, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होती है कि ग्रामीण स्तर पे बहुत ऐसी चीज़ें बनाई जाती है हाथ से, जो आपका मार्केट में जिसका प्राइस दिखने में सुंदर होता है, यानी कि एक तरह से ये इंटरनल डेकोरेशन के चीज़ें बनाती है या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो दिन हमारे डेली रूटीन में यूज़ आती है, और इससे क्या होता है उनको एक आजीविका मिल जाती है और उनको सैलरी मिलती है, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी मिलती है, और वो उससे क्या कहते हैं अपने आजीविका को चलाते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रवासियों को प्रशिक्षित कर उसे रोजगार प्रदान करना इसका क्या है मोटिव है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रवासियों में कौन है, तो रेशम वगैरह जो है ये सब चीजों में महिलाएं, पुरुष भी आते हैं इसमें, लेकिन अधिकतर महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और ये क्या कहते हैं हथकरघा हो गया, जैसे हाथ से बुनना हो गया, और झारक्राफ्ट के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं, जो झारखंड में बहुत सारे जैसे मास्क वगैरह का निर्माण हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा भी इसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की दिशा में कार्यरत है, और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, और इससे अनेक तरह के हाथकरघा हो गया, शिल्पीकार हो गया, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं जो आपका इंटरनल डेकोरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, घर वगैरह में सजावट की सामानें जो बनाई जाती है ये इससे बनाई जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका पालन भी किया जाता है, जैसे रेशम वगैरह का ये लोग खुद भी पालती है, और उससे फिर वो उससे क्या करते हैं कि रेशम से आपका कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, और उनको मार्केट में बेचते हैं, जिससे उनको आमदनी होती है और अपना आजीविका को पालन करते हैं। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, देखिए इंटरनल डेकोरेशन का बहुत सारा मास्क बनाया हुआ है, यहाँ पर महिलाएँ देखिए हथकरघा से अपना उसको सिलाई बुनाई कर रही है, ये बहुत सारे लेदर का आपका बैग वगैरह भी, कैप हैट वगैरह भी बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सौरिया चित्रकारी का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है, और यहाँ पे आभूषण वगैरह भी बनाए गए हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि झारक्राफ्ट के द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। रेशम पार्कों की स्थापना कहाँ पे, जहाँ पे रेशम का आपका क्या किया जाता है, रेशम कीटों का पालन किया जाता है और वहाँ से क्या रेशम के निकाला जाता है। तो इसमें कौन कौन से जगह हैं, तो रांची जिला का इरबा रोड में ये आपका रेशम पार्क का स्थापना किया गया, एक गिरिडीह में किया गया, एक जसीडी जो देवघर जिला के अंतर्गत आता है, और एक खरसवां जो सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हिनार हनी। हिनार एक नाम है और हनी जो है आपके वहाँ पता ही होगा कि वो मधु है जो मधुमक्खियों से निकाला जाता है। हिनार एक जगह का नाम है इसलिए उसका नाम दिया गया हिनार हनी। अब देखिए पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत लातेहार जिला के गारू प्रखंड के हिनार, बोले आपको एक नाम है हिनार, मारोमार, बारेसाड़, कोटाम, कबरीसूत, करबाई, जागीर आदि आदिवासी बहुल गांव हैं, और इनके आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक मधुमक्खी के छतों से मधु संग्रहित किया जाता है जिसका नाम हिनार रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि चाकुलिया, काजू, साल, बीज, महुआ, बीज, बांस, चिरौंजी, इमली, आंवला, कत्था आदि भी महत्वपूर्ण वन उत्पाद हैं जो गौण उपज के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो हम वन उत्पाद के बारे में देख लिए, जिसमें से आपका प्रमुख उपज कौन है और आपका गौण उपज कौन है उसके बारे में हम लोग जान लिए। आगे हम लोग देखते हैं वन प्रबंधन के बारे में कि झारखंड में जो वन का बचाव करने के लिए कौन कौन से नीतियाँ अपनाई गई है और झारखंड सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन 1882 से लेकर 85 के बीच में J.F. हैबिट के द्वारा किया गया है। जब ब्रिटिश शासन था उसी टाइम ही ये स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, J.F. हैबिट के द्वारा किया गया था 1882 से 1885 के मध्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सन 1909 में वन समिति का गठन किया गया, किसके द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना 95% निजी वन थे, यानी कि लोगों के अधिकार में वन थे 95% में। और उसके बाद जब से इसका सरकारीकरण हुआ है, बाद में इसका सरकारीकरण के उपरांत इसमें वनों का ह्रास होना स्टार्ट हो गया, यानी कि अगर लोगों के पास अगर जंगल थे तो
वो उसका प्रोटेक्शन करते थे, खुद प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन जब से सरकारीकरण हुआ है इसमें क्या निरंतर कटाई होने लगी और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देने लगे, क्योंकि ये सरकार की चीज़ें हैं तो सरकार इसको संभाल के रखेंगे। इस बेसिस पर क्या होने लगा, धीरे धीरे इसमें इतने ज़्यादा कटाई होने लगी कि आज हम लोग कितना 29.76% पे ही बचे हैं, यानी पहले कितना था 95% था और अभी कितना 29.76% पे हम लोग बचे हुए हैं क्या जंगल। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति 1952 में बनाया गया, ठीक है। यानी जब आपका देखा कि वन वगैरह बहुत ज़्यादा कटने लगा तो फिर एक वन नीति का निर्माण किया गया, वो 1952 में बनाया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वन नीति काम नहीं आई और फिर 1988 में दूसरा वन नीति बनाया गया, जिसमें प्रत्येक दो साल में एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ISFR, जिसको पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत ISFR जो है इसके द्वारा प्रत्येक स्टेट का ये दो साल में रिपोर्ट देता है वन का, कि वहां पे क्या घटा क्या बढ़ा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1985-86 में इस क्षेत्र में लगभग 42% क्षेत्र में वन था, परंतु वर्तमान में ये अभी कितना है 29.76% ही रह गया है। अब देखिए वन नीति 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33%, यानी 33.33% भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। यानी कि अभी कितना बोला गया है कि कम से कम वन थर्ड पार्ट पे क्या होना चाहिए, आपका जंगल होना चाहिए, जो कि आपका झारखंड में कितना है 29.76% है, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नवत हैं। तो देखिए सन 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प के तहत 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है ताकि वन को बचाया जा सके। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है, झारखंड के किस जिले में है, तो रांची में है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आपका एक वानिकी कॉलेज में वानिकी संकाय की स्थापना की गई और वहाँ पे वन प्रबंधन हेतु क्या समुचित प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार का वन का प्रबंधन करना है, यानी उसे बचाना है और पेड़ पौधे लगाते रहना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत निजी भूमि पर वनारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जनवन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इको टूरिज्म नीति 2015 के अनुसार पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झार पार्क्स का गठन किया गया है, किसका गठन किया है, झार पार्क्स का गठन किया गया। आने वाला नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देखेंगे झार पार्क्स के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य या पार्क्स हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड के 3,424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु होती है तो उसको 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग सखी मंडल बोलते हैं, तो ग्रामीणों का आय संसाधन बढ़ाने हेतु सखी मंडल एवं वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से प्लास एवं कुसुम के पौधों पर ला उत्पादन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रयुक्त होने वाले मशीन एवं टूल्स तथा ला किट का को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बताएं अभी तुरंत ही दोस्तों कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं या फिर उसमें जो भी लोग हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनको सरकार द्वारा चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप रोजगार से जुड़े और अपना आजीविका का मतलब बहुत बेहतर तरीके से गुजारें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि ई गवर्नेंस के तहत विभागीय वेबसाइट तैयार की गई है ताकि सूचनाएं जो हैं वो तुरंत उपलब्ध हो सके। तो कौन से वेबसाइट का ये किया गया है, निर्माण किया गया है, तो forest.jharkhand.gov.in, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं नदी महोत्सव, अब देखिए नदी महोत्सव और वृक्षारोपण अभियान भी 2019 में किया गया था वन प्रबंधन को लेके। तो इस महोत्सव तथा अभियान का संचालन 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच किया गया है, ठीक है। यानी एक महीना का ये आपका महोत्सव था, जुलाई से लेके आपका अगस्त, ठीक है। अब देखिए इस अभियान के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तक कुल 15,66,660 पौधे लगाए गए हैं और इसमें आपका क्या है, इस अभियान के तहत सर्वाधिक पौधे जो है वो आपका जमशेदपुर और रांची वन मंडल द्वारा लगाया गया और दूसरे नंबर पे आपका कौन आता है, धनबाद, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और इसके सरकार के द्वारा एक कंपा नीति अपनाई गई है, तो कंपा का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका काम क्या है दोस्तों, इसका गठन क्यों किया गया, तो कंपा का गठन जो है भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2004 में किया गया था और इसे झारखंड सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया था, तो अक्टूबर 2009 में, इसे ध्यान में रखेंगे, जुलाई 2004 में
जो है भारत सरकार द्वारा किया गया था, और झारखंड सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया, तो अक्टूबर 2009 में किया गया। कंपा का काम क्या है दोस्तों? तो कंपा का काम जो गठन किया गया, प्राकृतिक वनों के संरक्षण हेतु किया गया, वन्य जीवों के प्रबंधन हेतु किया गया, आधारभूत संरचना विकास तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु इसका काम किया गया। यानी इसका ले दे के भी वही काम है कि कैसे वन प्रबंधन किया जाए, वन की कटाई को रोका जाए, वन वगैरह लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, ठीक है, वन्य जीवों को कैसे संरक्षण दिया जाए, ये इसी का काम है। किसका? कंपा का काम है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12 और क्लास 13 में दोनों मिला के अभी तक हम लोग झारखंड के वन, वन के प्रकार और वन संपदा और वन प्रबंधन और 2019 और 2021 का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिए हैं। तो इससे जो बेस्ट क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षा में यानी JSSC और JPSC में जो आ सकते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ISFR। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जो क्लास 12 नहीं किए हैं वो क्लास 12 कर लें तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे। तो आपसे बार बार बताया जा रहा है कि आप क्लास 12 कर लें, उसके बाद क्लास 13 कर लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कितने भूभाग पर जंगल स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है 23,605 स्क्वायर किलोमीटर, 23,611 स्क्वायर किलोमीटर, 23,721 स्क्वायर किलोमीटर और 23,716 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए 2021 के अनुसार कितना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, यानी कि 23,721 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2011 में कितना था? 23,611 किलोमीटर था, और इस बार कितना? 110 किलोमीटर बढ़ गया, तो 23,721 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में, झारखंड में ISFR 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई? देखिए अभी तुरंत आपको बताएं कि कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। तो आपके पास ऑप्शन है 50 स्क्वायर किलोमीटर, 70 स्क्वायर किलोमीटर, 90 स्क्वायर किलोमीटर और 110 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑब्वियसली 110 किलोमीटर होगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है क्या कहलाती है? तो आपके पास ऑप्शन है आरक्षित वन, सुरक्षित वन जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी बोलते हैं, अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, या फिर VWF यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको हिंदी में अत्यंत सघन वन भी बोलते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आरक्षित वन जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी इस फॉरेस्ट में ना तो आपको पशु चरा सकते हैं और ना ही लकड़ी आपको काट सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं दोस्तों, ISFR 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, गुमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जंगल का, और अगर 1% यानी वन घनत्व की बात किया जाए दोस्तों तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? लातेहार। लातेहार में कितना? सबसे ज़्यादा 56% भूभाग पर, यानी लातेहार के भूभाग के 56% भाग पर आपका क्या है? जंगल है, ठीक है। इसलिए अगर 1% पूछे तो लातेहार मारना है, और सिर्फ वन क्षेत्रफल पूछे तो उसमें पश्चिमी सिंहभूम मारना है, ठीक है। तो इसे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, 1% वन घनत्व अलग है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल वो अलग है। वन क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम मारना है, और सबसे ज़्यादा वन घनत्व या 1% अगर पूछा जाए तो लातेहार मारना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, 2019 में आपका जितना भी जंगल था उसका रिपोर्ट आया, 2021 में भी रिपोर्ट आया, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा वन वृद्धि किस जिला में हुआ, ठीक है। तो आपको पास ऑप्शन है गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और चतरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा। तो देखिए 2019 में गढ़वा में जितना भी आपका था वन क्षेत्रफल, मान लीजिए कि वहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्रफल था, और 2021 में वो बढ़ के कितना हो गया? 140 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या? उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ 40 स्क्वायर किलोमीटर का। तो समझ में आ गया, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एरिया का बात कर रहे हैं। तो गढ़वा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ कितना? 40 स्क्वायर किलोमीटर पे, ज़्यादा पे आपका वन बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा वन ह्रास वाला जिला कौन सा है, यानी कि वन की कमी आई किस जिले में? तो आपके पास ऑप्शन है हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार और धनबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। लातेहार में जो है आपका जंगल थोड़ा सा कम हुआ, यानी 3.3 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो जंगल आपका वहां पे कम हो गया, ठीक है। यानी मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर वहां पे था तो अभी 97 स्क्वायर किलोमीटर वहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कुजरी का तेल किस वृक्ष के बीज से निकाला जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है पलास, साल, सेमल और हरल बहेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा, ठीक है। जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? तो जंगल की आग जो है किस वृक्ष को कहा जाता है बताइए? तो पलास को कहा जाता है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, ला उत्पादन हेतु कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती है। तो आपके पास देखिए यहाँ सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आपका पहला ऑप्शन दिया समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई होना, ठीक है, तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक होना, उसके बाद 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना। अब आपके पास ऑप्शन आता है क्या कि केवल ए, यानी ए नंबर ऑप्शन में क्या है, केवल एक, यानी केवल एक ही होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दो और तीन, यानी कि ये 12 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, यानी ये दोनों होना चाहिए। सी में बोला है क्या, ये तीनों, यानी एक दो तीन सभी, यानी ये सभी चीज़ होना चाहिए। और डी में बोला है कि केवल तीन, यानी कि केवल 150 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। तो आप इसको सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ये तीनों कंडीशन होना चाहिए आपका ला उत्पादन हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है रांची, रामगढ़, लातेहार, खूंटी, तो खूंटी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में किया जाता है, ला, तसर रेशम, या फिर ये दोनों ए और बी, यानी लाह और तसर रेशम, या फिर केंदुपत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है और तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये 50% मात्रा में होता है, ठीक है, और ये 60% मात्रा में होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो तसर, देखिए तसर का आपको अभी बताए थे कि बाद में ये हुआ था, तो बाद में आपका कहाँ पे हुआ था, तो नगड़ी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नगड़ी, रांची। और ये स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी तसर का। और आपका जो ला शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ था, नामकुम में हुआ था, और कब हुआ था, 1924, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस जिले में रेशम पार्क की स्थापना नहीं की गई। आपको बताया था चार जिले में की गई है, तो उसमें से आपको तीन जिला दे दिया जाएगा जिसमें की गई है, एक जिला दे दिया जाएगा जिसमें नहीं दी गई है। तो बताइए आपको किस में नहीं की गई है रेशम पार्क की स्थापना। तो आपके पास ऑप्शन है रांची, सिमडेगा, गिरिडीह और देवघर। तो देखिए सिमडेगा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं की गई है, रांची में की गई है, गिरिडीह में की गई है, देवघर में की गई, और एक आपका सरायकेला खरसवां में की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई। तो 23 अगस्त 2009 को, 23 अगस्त 2005 को, 23 अगस्त 2006 को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 अगस्त 2006 को की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, जे एफ हैबिट के द्वारा, या फिर जॉन हॉफमैन के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे एफ हैबिट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस जिला में है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर रांची हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विज कराया जाता है। तो अभी के लिए जय हिंद।